गाइस वेलकम टू आपकी किचन विद नीरू वालिया। आज हम बनाएंगे आपके लिए बेल का जूस जो काफ़ी हेल्दी है, गर्मियों में हमारे पेट की सारी गर्मी दूर करेगा। तो कैसे बनाएंगे हम इस बेल के जूस को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं जी। मैंने बेल ले लिया है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके ज़ोर से मारूँगी, ऐसे करके मैं इसको निकाल लूँगी। और इतना सारा गाइस देखिए जी, सारा मैंने निकाल लिया है, राइप किया हुआ है, ये हमारा निकला है। प्लस ये आपको पसंद काफ़ी आएगा, बेल पका हुआ है अच्छी तरह से। तो गाइस मैं इसके अंदर एक गिलास पानी डालूंगी और मैं इसकी गुठलियां मैं निकालूंगी। इसको अच्छे तरह से मैं इसको शेक करूँगी। पहले तो मैश आप किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इसको अब हाँ, पहले मैंने एक प्रेशर से किया, अब मैं इसको हाथ से जब तक नहीं करूँगी। हैंड मैंने अच्छे तरह से वॉश करे हुए हैं, आप भी अच्छे तरह से वॉश करके इसको, जो असली तरीका हाथ से निकलता है ना गाइस, वैसे कभी भी नहीं निकलेगा जूसेस कभी भी। हो देखो देखिए जी, सारी गट्ठे निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये इसका बीज बहुत कौड़ा है होता है, इसलिए बीज को कभी भी मिक्सी में बीट ना करें। तो ये तो गाइस जैसे ये देखिए, मैंने इसको पहले हाथ से मोटा मोटा निकाल दूंगी, बड़ा बड़ा इसे जो होते हैं इनको निकाल दूंगी। उसके बाद हम इसको प्यूरी को एक उसमें छन्नी में, तो गाइस मैं इसको छन्नी से ऐसे प्रॉपर छान लूँगी, जितना भी ऊपर का है बीज वगैरह और इसका गुद्दा वगैरह है वो सारा छन जाएगा। जब आप पियेंगे तो ये मुंह में नहीं आएगा। इसके अच्छी तरह से करना है गाइस, मिलाना है। तो गाइस देखिए, ये सारा मैंने गुद्दा निकाल लिया, ये बस हल्का सा जो ऊपर का होता है वो बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। तो गाइस देखिए, हमारी प्योरी तैयार है। अब मैं, वैसे तो इसकी अपनी एक मिठास होती है, आप एक्स्ट्रा शुगर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को अगर हमने देना है तो उनको मीठा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ईज़िली वो पी सकते हैं। तो मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, नहीं तो बच्चे पीते नहीं हैं गाइस। अगर हल्का मीठा कम हो तो इस ड्रिंक को बच्चे आराम से खुशी खुशी पियेंगे। ये बेल का जूस बहुत ही अच्छा होता है, पेट की ठंडक को, जैसे लू में हमें लग गई है, अगर आप एक दो तीन दिन लगातार इस जूस को पी लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए, मैंने शुगर पाउडर लिया, अगर आप चीनी है आपके घर में तो आप इसको पीस करके ही डालना प्लीज़, नहीं तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको करने कराने में। मेरा जो जूस तैयार है, अब मैं इसको एक गिलास में डालूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं, हमारा जूस बेल का जूस तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी पुदीने की पत्ती डालेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लस हम इसके अंदर हल्का सा, अगर सॉल्ट डालना चाहते हो सॉल्ट भी डाल सकते हो। प्लस आप इसके अंदर काली मिर्च वगैरह पाउडर, जो ब्लैक पेपर होता है वो भी डाल सकते हैं फॉर टेस्ट के लिए, लेकिन मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे को ये एज इट इज़ पसंद है और मेरे फैमिली में भी ये एज इट इज़ पसंद है, एक्स्ट्रा सॉल्ट हम नहीं डालते हैं। प्लीज़ पीजिए, पिलाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बेल का जूस देखिए, प्योर राइप है, आप बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। बाय, थैंक यू।